अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा के पीछे गहरा षड्यंत्र सामने आ रहा है। कोचिंग संचालक युवाओं को उकसा रहे हैं तो राजनीतिक दल भी विरोध को हवा दे रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस खुलकर आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है तो बिहार में युवा राजद ने राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला। 18 जून को विपक्षी दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोचिंग संचालकों ने युवाओं को विरोध के लिए उकसाया है। पुलिस ने उनके विरुद्ध केस दर्ज किया है। ग्वालियर में गुरुवार को उपद्रव मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग चलाने वाले संचालकों ने कई भड़काऊ संदेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए, इससे अभ्यर्थी भड़क गए। पुलिस ने जांच कोचिंग संचालकों को हिरासत में लिया और उनसे बॉन्ड भरवाए। अब इन पर FIR की तैयारी है। उनसे 3 दिन के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन और छात्रों की सूची भी मांगी गई है। युवा आक्रोश का सबसे ज्यादा शिकार बने बिहार में षड्यंत्र के संकेत मिल रहे हैं। उपद्रवी योजनाबद्ध तरीके से हिंसा कर रहे हैं। कई जगह पर आग लगाने से पहले बोगियों से यात्रियों को उतारा गया, जिससे पता चलता है कि आंदोलन सोचा समझा षड्यंत्र हो गया है। बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर के शीशे तोड़ डाले, उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास व पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ के आवास पर हमला कर 4 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला कर दिया, विधायक जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। संजय जायसवाल का कहना है कि उपद्रव छात्र युवा नहीं बल्कि राजद के गुंडे मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 250 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। प्रदर्शन के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ सुराग लगे हैं, इनकी जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है। इसमें 17 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरने और माहौल बिगाड़ने की अपील की गई है। कोचिंग संचालकों को कमाई छिनने का खतरा महसूस हो रहा है। ग्वालियर में कोचिंग संचालकों की संदिग्ध भूमिका के पीछे कमाई छिनने का उनका डर सामने आया है। मध्य प्रदेश का यह शहर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल में भर्ती की तैयारी का बड़ा केंद्र है। आसपास के भिंड, मुरैना, दतिया और अन्य जिला के युवक यहीं तैयारी के लिए आते हैं। कोचिंग संचालक अभ्यर्थियों से पैकेज के रूप में एकमुश्त फीस वसूलते हैं, जो 25,000 से 75,000 रुपये तक हो सकती है। ग्वालियर में पिछले 5 साल में तेजी से ऐसे केंद्र खुले हैं जिनकी संख्या करीब 50 है।